राजधानी जयपुर जिले के चोमू थाना इलाके में मां की हत्या के बाद फरार हुए बेटे के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हत्या की वारदात को अंजाम देकर वह उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंच गया था, जिसे पुलिस मथुरा से पकड़कर जयपुर लेकर आई है। तो वहीं पुलिस ने हत्यारे बेटे देवेश शर्मा से लगभग 40,000 रुपये व आभूषण बरामद किए हैं। बता दें कि आरोपी देवेश ने 4 दिन पूर्व चोमू इलाके में स्थित अशोक विहार में मां की दोस्त के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के 2 दिन बाद मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, तो वहीं आज उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई को लेकर चोमू थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया है कि केशव सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया गया है, जो कि फिलहाल जयपुर में रहता है। केशव को उसके दोस्त देवेश ने मां की हत्या के बाद जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर छोड़ दिया था। वहां से वह बस में बैठकर उत्तर प्रदेश चला गया था। देवेश से पूछताछ के बाद लोकेशन के आधार पर स्पेशल टीम ने केशव को मथुरा से पकड़ा है। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है।